सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप मोनिस राजा के जैसा ट्रेंडिंग रील्स कैसे बना सकते हो अपने सिंपल से एंड्रॉइड फोन के अंदर। तो दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो या फिर इंस्टाग्राम रील्स कभी कभार ओपन कर लेते हो तो वहाँ पे उनका साउंड या फिर उनका वीडियो कहीं ना कहीं आपको जरूर से दिखाई दे जाता होगा और उनके वीडियोस काफी ज्यादा वायरल होते हैं, उनके डायलॉग्स काफी ज्यादा ट्रेंड करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो अपनी वीडियो को कैसे शूट करते हैं, कैसे एडिट करते हैं एंड कैसे अपलोड करते हैं जिससे वो इतना ज्यादा वायरल होता है। तो आज के वीडियो में पूरे आज आपको डार्क सीक्रेट बताने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना। तो चले गाइस, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको मोनिस राजा के जैसा वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले एक वीडियो शूट कर लेना है, जैसा भी वीडियो आप बनाना चाहते हो। लाइक आप साइड वीडियो, डायलॉग वीडियो या फिर कोई भी मोटिवेशन, कुछ भी आप अगर बनाना चाहते हो तो आपको उसी टाइप का एक वीडियो शूट कर लेना है। तो दोस्तों, आपको कैसे वीडियो शूट करना है मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक वीडियो दिखा देता हूँ। ये पैसा चीज़ ही ऐसी है मेरे भाई, जिसके पास आएगा वही मार्केट में छाएगा। जैसा कि आपने ये वीडियो देखा, आपको इस तरह का एक वीडियो शूट कर लेना है अपने स्मार्टफोन से। तो जैसे ही आप जिस भी कैटेगरी का बनाना चाहते हो, तो दोस्तों शूट कर देने के बाद अब बारी आती है इसकी एडिटिंग की। तो एडिटिंग करने वाले हैं हम VN एप्लीकेशन के अंदर, वो काफी अच्छा एडिटिंग एप्लीकेशन है एंड उससे एकदम प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग HD में हो जाती है। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने मोबाइल फोन के होम स्क्रीन पर एंड वहीं पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा और आपको कैसे एडिट करना है वो भी आपको सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने मोबाइल फोन के होम स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन के ऊपर आ जाना है एंड आपको VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो ओपन कर देने के बाद नीचे आपको प्लस वाला बटन दिखाई दे रहा होगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है एंड आपको न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ से उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जिस वीडियो को आप एडिट करना चाहते हो। देन आपको यहाँ पर राइट के ऊपर क्लिक कर देना है एंड आपको अपने वीडियो को इम्पोर्ट कर लेना है। तो सबसे पहले आपको वीडियो के एंड में चले जाना है एंड आपका जो वाटरमार्क है आपको उसे डिलीट कर देना है। सो दोस्तों, आपको सबसे पहले देख लेना है कि आपकी वीडियो में कोई एक्स्ट्रा पार्ट तो नहीं है, अगर होगा तो आपको उसे कट कर देना है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे इस वीडियो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे मेरा एक्स्ट्रा पार्ट है। ठीक है, तो मैं कैची के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ नीचे और यहाँ पे मेरा अलग हो चुका है ये वाला पार्ट, तो मैं इसे यहाँ पे डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा वीडियो यहाँ से सिंपल से डिलीट हो चुका है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले अपनी वीडियो के अंदर कलर ग्रेडिंग करनी है अगर आप करना चाहते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे फिल्टर के ऊपर क्लिक करके आप एडजस्ट के ऊपर क्लिक करके अपनी वीडियो में कलर ग्रेडिंग कर सकते हो जैसे कि आपको अच्छा लगता है। तो मेरी वीडियो वैसे ही इतनी अच्छी आ रही तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं कैंसिल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो अब दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने वीडियो को प्ले करके देख लेना है एंड आपको देखना है कि आप डायलॉग बोल के कहाँ पे एंड हो रहे हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये पैसा चीज ही ऐसी है मेरे भाई, जिसके पास आएगा वही मार्केट में छाएगा। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पे डायलॉग बोल के एंड हो रहा हूँ यानी कि खत्म हो रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक कट लगा देना है और मेरा ये जो पार्ट है ये अलग हो चुका है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या काम करना है, आपको सबसे पहले सेकंड वाले पार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है एंड आपको स्पीड के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, देन यहाँ से आपको रेगुलर के ऊपर क्लिक कर देना है साइड में और यहाँ से आपको 0.5 सेकंड कर देना है। तो जैसे आप 0.5 कर दोगे तो आपकी वीडियो में थोड़ा स्लो मोशन आना शुरू हो जाएगा, आप लोग देख सकते हो। देन आपको यहाँ से राइट के ऊपर क्लिक कर देना है तो आपकी वीडियो में स्लो मोशन आ जाएगा। सो दोस्तों, अब आपको वीडियो के अपने फर्स्ट में आ जाना है एंड आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देन यहाँ से आपको वॉल्यूम के सिलेक्ट कर देना है। तो वॉल्यूम के ऊपर क्लिक कर देने के बाद आपको इसकी वॉल्यूम को 100 से 200% कर देना है। ठीक है, सो दोस्तों, अब अपनी वीडियो के अंदर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करना है, बिकॉज आप लोगों को पता है एक म्यूजिक ही एक बैकग्राउंड म्यूजिक ही एक वीडियो को वायरल कराता है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे म्यूजिक के ऊपर क्लिक कर देना है एंड आपको म्यूजिक के ऊपर क्लिक करके अपना कोई भी एक एटीट्यूड बैकग्राउंड म्यूजिक यूज कर लेना है। मैं आपको एक कॉपीराइट फ्री म्यूजिक यूज करके दिखाऊंगा, बिकॉज आप लोगों को पता है मेरे चैनल पर कॉपीराइट वगैरह आ सकता है अगर मैंने कोई बॉलीवुड म्यूजिक इसमें यूज किया। तो मैं यहाँ से कोई भी एक NCS का म्यूजिक यूज कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे यहाँ पे सामने काफी सारे म्यूजिक आ चुके हैं तो मैं कोई भी एक यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ठीक है, मैं यहाँ से इसकी वॉल्यूम को कम कर देता हूँ, देन यहाँ से राइट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, अब आपको देखना है कि आपका वीडियो अब कैसा बन चुका है। ये पैसा चीज ही ऐसी है मेरे भाई, जिसके पास आएगा वही मार्केट में छाएगा। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो आपका वीडियो कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पे लग रहा है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले यहाँ पे अपने म्यूजिक के ऊपर क्लिक कर देना है जहाँ से आपका डायलॉग बोल के आप खत्म हो रहे हो। देन आपको अपनी म्यूजिक के एक कट लगा देना है। ठीक है, तो कट लगा देने के बाद आपको सेकंड वाले लेयर के ऊपर क्लिक कर देना है। देन आपको म्यूजिक के ऊपर क्लिक कर देना है
यहाँ से आपको अपनी वॉल्यूम को 100% कर देना है, ठीक है। तो आपको वॉल्यूम हो चुकी है 100% एंड आपकी, आप लोग बोलते हो ना कि भाई हमारी जो वॉइस बाद में कम आना शुरू हो जाती है, तो वो इसी रीज़न से होती है। तो आपको अपने बैकग्राउंड म्यूजिक को लास्ट में बढ़ा देना है एंड उससे पहले जिसमें आपकी वॉइस आएगी उसमें आपको कम कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको अपने सेकंड वाले लेयर के ऊपर क्लिक कर देना है वीडियो की एंड यहाँ से एफएक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। देन यहाँ से आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको एक फिल्टर मिलेगा जिटर डाउन नाम से, तो इसे आपको अप्लाई कर देना है। देन आपको राइट के ऊपर क्लिक कर देना है। सो दोस्तों अब आपकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाली है। देखिए दोस्तों ये पैसा चीज़ ऐसी है मेरे भाई, जिसके पास आएगा वही मार्केट में छाएगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा मस्त मेरा वीडियो यहाँ पे लग रहा है। तो आपको उसमें और भी इफेक्ट्स डाल देने हैं। आपको स्प्लिट के ऊपर क्लिक कर देना है, देन आपको प्लस वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है एंड आपको जूम को सिलेक्ट कर देना है एंड राइट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब आप लोग देख सकते हो वीडियो कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव बनेगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हो इस तरह से आप काफ़ी इजी वे में अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हो। दोस्तों आपको टी के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप कोई वीडियो में अपनी टाइटल यूज़ करना चाहते हो, कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहते हो, तो यहाँ से आप क्लिक करके, काफ़ी सारे टेक्स्ट दिए गए हैं इन्हें यूज़ करके आप अपनी वीडियो में टेक्स्ट लिख सकते हो बड़ी ईजीली। सो दोस्तों इस एप्लीकेशन के अंदर आप काफ़ी ईजीली अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हो। इसमें सिंपल से आपके सामने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको अपनी वीडियो को कम्प्लीटली एडिट कर देने के बाद कोने में आपको एक्सपोर्ट का बटन दिखता है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। देन आपको अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है, तो ये वीडियो आपका गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो आप अपने इंस्टाग्राम पर इसे अपलोड कर सकते हो इजी वे में।